हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम श्योर ये आपको थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स लग रहे होंगे, लेकिन डिटेल डिस्कशन हमेशा बेटर रहता है देन शॉर्ट में कुछ जल्दी जल्दी समझाते ना। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर किसी को लगे कि उन्हें थोड़ा जल्दी में देखना चाहिए लेक्चर्स, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.5x 2x करके स्पीड देख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा, थोड़ी पेशेंस रखें, वही थोड़ा सा अल्टीमेटली रिजल्ट देती है, और नोट्स बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन बिगिन करते हैं और आगे का डिस्कशन। ये 6 पार्ट है, इसमें हैंडलिंग टेक्स्ट एंड हिस्टोरियंस एंड द महाभारत, ये टॉपिक का नाम है। लेकिन आप मोस्टली इसमें देखें तो इन टॉपिक्स में अभी आप कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे कि हिस्ट्री जो है वो जनरेट कैसे की गई है, राइट? हिस्ट्री क्या होता है, कैसे जनरेट की गई है, क्या होता है, आप थोड़ा सा रियलाइज करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का रोल आ जाता है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि हिस्ट्री कैसे बनाई गई है, कैसे एग्री किया गया है कि हिस्ट्री में यही होगा, राइट? आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आया कि हिस्ट्री यही है। ये कैसे पता चला है, ये आपको थोड़ा सा रियलाइज कर पाएंगे। ऐसे ही बाकी हिस्ट्री भी जनरेट की जाती है, एंशियंट इंडिया की, मेडिवल इंडिया की स्पेशली, क्योंकि देखिए उसमें काफी चीजें अननोन है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसी को नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दू, पद्मावती है, पद्मावती एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कोई इसमें मल्टीपल डिबेट्स हैं, बहुत ज्यादा आपको डिबेट्स दिखेंगे। काफी लोग बोलेंगे एग्जिस्ट करती हैं, काफी लोग बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करती। जनरली आप हिस्टोरियंस का व्यू लेंगे तो वो कहेंगे एग्जिस्ट ही नहीं करती। नॉर्मल लेमैन से आप पूछेंगे तो बोलेंगे वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। आप उदयपुर जाएंगे, उदयपुर के आसपास एरिया में जाएंगे तो आपको तो बिल्कुल दिखेगा वहां पे कि मतलब सभी कहेंगे कि पद्मावती एग्जिस्ट करती थी। लेकिन मल्टीपल व्यूज हैं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है? तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वर रिटन इन प्रकृत और तमिल, राइट? पहले मैं ये भी बता देता हूँ टॉपिक ऊपर वाला भी। इफ यू लुक थ्रू द सोर्सेस साइटेड इन दिस चैप्टर वंस मोर, यू विल नोटिस दैट हिस्टोरियन कंसिडर सेवरल एलिमेंट्स व्हेन दे एनालाइज टेक्स्ट। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हिस्टोरियन हिस्ट्री जनरेट करने से पहले बहुत सारे सोर्सेस को देखते हैं, S1, S2, S3, S4, इन सबको मिला के वो एक कॉमन कॉमन सोर्स बनाते हैं, कॉमन टेक्स्ट बनाते हैं, बोलते हैं और ये हिस्ट्री है, राइट? कैसे किया जाता है, ये देखा जाता है S1, S2, S3, S4 में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ साथ क्या किया जाता है, ये जो सोर्सेज हैं ये लिटररी सोर्सेज हैं, लिटररी मतलब किताबें वगैरह हैं, तो इनको मैच किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब क्या होते हैं, जैसे आपने एक्सकेवेशन किया, गड्ढा खोदा, उसके अंदर से कुछ मिला है ना, उसके साथ साथ आपको कोई इंस्क्रिप्शन मिली। इंस्क्रिप्शन का मतलब है किसी पत्थर पे लिख दिया कुछ, या किसी हार्ड सरफेस पे कुछ लिख दिया जो कभी मिटता नहीं है, बहुत सालों तक रहता है। उन सबको कॉमन एनालाइज किया गया, इससे कॉमन टेक्स्ट जाके बनता है। तो दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वर रिटन इन प्रकृत, पाली और तमिल, राइट? ये ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस है। प्रकृत जो है आप जैन के साथ ज्यादा एसोसिएट करते हो, पाली जो है वो आप बुद्धिज्म के साथ ज्यादा एसोसिएट करते हो, तमिल साउथ इंडिया की लैंग्वेज है। एंड दे वर प्रोबेबली यूज बाई ऑर्डिनरी पीपल और इन संस्कृत, अ लैंग्वेज मेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रेस्ट एंड एलाइट्स। तो मैं आपको ये बता दूं, तमिल, प्रकृत और पाली जो है वो ऑर्डिनरी लोग, कॉमन लोग यूज किया करते थे एंशियंट टाइम में। संस्कृत जो थी वो एलाइट लोगों की लैंग्वेज थी, समझना भी आसान नहीं है, काफी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने के लिए, और इसको सिर्फ प्रेस्ट और एलाइट्स लोग और जनरली ब्राह्मण ही समझ पाते थे। तो ये देखा जाता है कि ये किसने लिखा है टेक्स्ट। अगर ये टेक्स्ट तमिल, प्रकृत और पाली में लिखा है, इसका मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, ये कॉमन लोग भी पढ़ते थे, उन्हें समझ में आता था। अगर वो संस्कृत में लिखा है, इसका मतलब है कि वो ब्राह्मण ने लिखा है और ब्राह्मण के लिए ही लिखा है, क्योंकि उन्हें ही समझ में आना है, और किसी को समझ में आएगा ही नहीं, संस्कृत है ना। दे ऑल्सो कंसिडर, दे मतलब हिस्टोरियन ऑल्सो कंसिडर द काइंड ऑफ टेक्स्ट, काइंड कैसा मतलब कैसा है, वर दीज मंत्रास, क्या ये मंत्रास थे, लर्न एंड चेंट बाय द रिचुअल स्पेशलिस्ट और स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रीड और हर्ड एंड देन रीटोल्ड इफ दे फाउंड देम इंटरेस्टिंग। तो ये किसके लिए है, कैसा टेक्स्ट है ये? अगर मंत्रास वगैरह होते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था, सिर्फ ब्राह्मण को ही समझ में आएगा, कॉमन लोगों को तो अभी भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, शादी हो रही है, शादी में मंत्र पढ़े जा रहे हैं, किसको समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं वो, है ना? इसमें कोई चीज आप बुरा मत समझना, ये चीजें सब समझाने के लिए, ठीक है? और क्या चीजें हैं, बिसाइड्स दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर्स whose perspective and idea shaped the text. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि किसने लिखा है ये टेक्स्ट। देखिए, किसी अगर ब्राह्मण ने लिखा है तो ब्राह्मण के लिए लिखा है, मतलब आप ये भी समझ सकते हो किसी ब्राह्मण ने लिखा है तो ब्राह्मण का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा होगा, थोड़ा बायस होगा। किसी अगर क्षत्रिया ने लिखा है तो क्षत्रिय का बायस होगा, किसी वैश्या ने लिखा है तो वैश्य का बायस होगा, वुमेन ने लिखा है तो वुमेन का बायस होगा, है ना? तो बायस मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने पर्सपेक्टिव से अपनी बातें लिखेंगे, उन्हें जो समझ में आ रहा है ना, तो ये बातें हैं।
एज वेल एज द इंटेंडेड ऑडियंस। तो मतलब ये भी बात समझने वाली है कि ये टेक्स्ट किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है। इससे इससे काफी हमें पता चलता है कि ये टेक्स्ट हिस्ट्री के लिए कितना पर्सपेक्टिव है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बच्चों के लिए स्टोरी कुछ लिखी हुई है फॉर एग्जांपल, आप उसको आप हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ना मानोगे, वो तो बच्चों को हैप्पी करने के लिए लिखी गई है। एज वेरी ऑफन ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड व्हाइल कंपोजिंग देयर वर्क। तो ऑथर्स ने अगर कोई चीज किसी प्रिंस के लिए लिखी है, जो प्रिंस जनरली क्षत्रिय होते हैं, तो प्रिंस के क्षत्रिय के पर्सपेक्टिव में होगी बुक। आप ये पॉइंट आई होप समझ पा रहे हो कि राइट, ये पॉइंट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए जनरली हिस्टोरी हिस्टोरियंस क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें से कॉमन जो मिलता है उसको लेके आते हैं कि ये हिस्ट्री है। एंड देन ट्राई एंड असर्टेन द पॉसिबल डेट ऑफ द कंपोजिशन और कंपाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज द प्लेस वेयर दे हैव बीन कंपोज्ड। सब कुछ स्टडी करने के बाद ये ट्राई किया जाता है कि डेट क्या होगी, इन एंड अराउंड, अराउंड बोला जाता है, ठीक है। ये नहीं बोल दिया जाता हाँ जी भाई 1573 BC में ऋग्वेद लिखा गया, ऐसे कोई नहीं बोलता, पॉसिबल ही नहीं है बताना। एक रेंज बता दी जाती है, एक रेंज, जैसे एक रेंज बता दी गई 1500 से 1000 BC के बीच में ऋग्वेद लिखा गया है, राइट, 1000 से लेके 600 BC के बीच बाकी जो तीन वेदा हैं वो लिखे गए हैं, हिस्टोरियंस ने बोला, जनरली माना गया। इट इज ओनली आफ्टर मेकिंग दीज असेसमेंट्स दैट दे अराइव ऑन दी content of the text to arrive at an understanding of their historical significance. As you can imagine, this is a particularly difficult task for a text as complex for the Mahabharat. क्यों? क्योंकि देखिए महाभारत जो है एक टेक्स्ट नहीं है, मल्टीपल लोगों ने डिस्कस करा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा गया है। उसके साथ साथ काफी टाइम तक तो ऐसा रहा महाभारत की स्टोरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती थी। तो आप समझ ही सकते हो जब एक स्टोरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रही है तो उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज भी होती रही होंगी। एग्जाम्पल ले लो, 10 लोगों के बीच 10 लोग खड़े हैं किसी जगह पे, एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ बोल रहा है, दूसरा तीसरे को कुछ बोल रहा है, तीसरा चौथे को कुछ बोल रहा है, अपना अपना पर्सपेक्टिव भी ऐड कर जा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है, ओरिजिनल टेक्स्ट भी। लैंग्वेज एंड द कंटेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। द वर्जन ऑफ द महाभारत वी हैव बीन कंसिडरिंग इज इन संस्कृत, ऑल्दो देयर आर वर्जन्स इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो संस्कृत में है, संस्कृत का मतलब टेक्स्ट है, ठीक है, पर अदर वर्जन भी है। हाउएवर द संस्कृत यूज्ड इन द महाभारत इज फार सिंपलर देन द वेदास। तो देखिए वेदास भी जो है ना वो संस्कृत में लिखे गए थे और महाभारत जो है वो भी संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन संस्कृत भी मल्टीपल संस्कृत होती है, इसमें बहुत ही कोर संस्कृत है वेदास में जो लिखी है, आराम से कोई नहीं समझ सकता आराम से, ठीक है। महाभारत में लेकिन जो संस्कृत है वो कंपेरेटिवली सिंपलर है, राइट। अब एक और चीजें आ जाती है, हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स, सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज दैट डेजिग्नेटेड एज द नैरेटिव। तो एक तो नैरेटिव है और जिसमें स्टोरीज लिखी गई है, राइट, स्टोरीज समझाने के लिए, स्टोरीज से अगर कोई समझाए तो अच्छे से समझ में आता है ना, इसलिए स्टोरीज लिखी गई है। एंड सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, तो सोशल नॉर्म्स वगैरह जिसमें लिखे गए हैं उसे डाइडेक्टिक बोला जाता है, याद रखना ये वर्ड, सीधे डाइडेक्टिक पूछ ले एग्जाम में, समझ में नहीं आएगा डाइडेक्टिक का मतलब क्या, मतलब इसका मतलब है सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स। दिस डिवीजन इज बाय नो मींस वाटर टाइट, ये वाटर टाइट मतलब ऐसा नहीं है कंप्लीट सेपरेशन है, डाइडेक्टिक जो होता है ना उसके अंदर भी स्टोरीज होती है, राइट, एंड नैरेटिव के अंदर भी सोशल मैसेज होता है। जनरली देखिए सोशल मैसेज डाइडेक्टिक के अंदर होगा, नैरेटिव के अंदर स्टोरी होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है डाइडेक्टिक के अंदर स्टोरीज हो, नैरेटिव के अंदर सोशल मैसेज हो। हाउएवर जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट द महाभारत वाज मेंट टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड दैट द डाइडेक्टिक पोर्शंस वर प्रोबेबली लेटर एडेड। तो जनरली नैरेटिव ही था महाभारत, हाँ डायडेक्टिक जो है जो सोशल नॉर्म्स वगैरह है वो बाद में ऐड किए गए। यहाँ पे देखो डायडेक्टिक का मतलब लिखा हुआ है रिफर्स टू समथिंग दैट इज मेंट फॉर पर्पसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसे आप याद रखेंगे डायडेक्टिक का मतलब क्या, आपने किसी नोट्स बना रहे हो ना जिसमें वोकैबुलरी हो उसमें लिख देना डायडेक्टिक का मतलब ये है। ये देखिए कि इससे एक पेंटिंग है, कृष्णा एडवाइजेस अर्जुन ऑन द बैटलफील्ड, दिस पेंटिंग डेट्स बैक टू द 18th सेंचुरी। तो समझने की आप कोशिश करो 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1799 है ना, 18th सेंचुरी तो ये है तब की ये पेंटिंग है। तो और महाभारत तो कितनी पुरानी स्टोरी है, तो कुछ चीजें चेंज हुई हैं, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट
डायडेक्टिक सेक्शन ऑफ द महाभारत इज द भगवद गीता, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हैं, विच कंटेन्स द एडवाइस ऑफर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, दिस सीन इज फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो डायडेक्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक भगवत गीता है जिसको आप याद रखेंगे। देखिए महाभारत मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट तो है नहीं, लेकिन उसकी अंदर जो चीजें दी गई हैं वो हमें हिस्ट्री जनरेट करने में काफी हेल्प करता है। उसके साथ साथ आप महाभारत के एग्जाम्पल्स अपनी हिस्ट्री के आंसर में लिख सकते हो, राइट। उसके साथ साथ आप एक और चीज याद रखना, अगर आप एसे लिख रहे हो, एथिक्स का पेपर दे रहे हो, तो उसमें महाभारत की स्टोरीज बहुत यूजफुल होती हैं, राइट। इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज दस इट वॉज, विच इज वाई इट इज जनरली ट्रांसलेटेड एज हिस्ट्री, राइट। यूपीएससी के 2018 के मेंस में पूछा गया था इतिहास और पुराना का सिग्निफिकेंस। इतिहास के अंदर रामायण महाभारत दोनों आते हैं, तो उनका सिग्निफिकेंस आपको बताना था। वॉज देयर अ रियल वॉर दैट वॉज रिमेम्बर्ड इन दी एपिक, वी आर नॉट श्योर, ठीक है, रियल वॉर थी हम नहीं बता सकते। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट द मेमोरी ऑफ एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट अमंग किन फोक वॉज प्रिजर्व इन द नैरेटिव। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक मेमोरी होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, उसकी मेमोरी जो है वो नैरेटिव में लिख दी गई, नैरेटिव मतलब स्टोरी। अदर्स पॉइंट आउट दैट देयर इज नो अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑफ द बैटल। कुछ कहते हैं हिस्टोरियंस की बैटल था ही नहीं, कुछ बस लिख दिया गया एक मतलब स्टोरी है, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगेन काफी लोग दिल पे ना लें कि भाई महाभारत को बोल रहे हैं हिस्ट्री नहीं है। अब जो है वो यहाँ पे समझाया गया, एक माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल टेक्स्ट में फर्क होता है, माइथोलॉजिकल टेक्स्ट और हिस्टोरिकल टेक्स्ट में फर्क होता है आपको। लेकिन यहाँ पे एज हिस्टोरियंस, ये एज हिस्टोरियन सोचना है और ये समझना है कि हमने हिस्टोरिकल टेक्स्ट कैसे बनाया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑथर एंड डेट्स, हु रोट द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, पूछते रहते हैं और काफी लोग बोलते हैं भाई इन्होंने लिखा होगा, थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। तो वेदास किसने लिखे हैं इसका कोई आंसर नहीं है, करेक्ट, मतलब एग्जैक्टली टेक्स्ट किसने लिखा है। तो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा हमारे बुक्स किसने लिखी हैं। कुछ बुक्स में तो हम सर्टेन नहीं कह सकते हैं, बुक्स ओके इन्होंने लिखी होंगी, लेकिन बाकी टेक्स्ट तो क्या है मोर देन दैट कि हमें ये जानना कि ये वाली बुक किसने लिखी है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डिसाइड कैसे किया जा रहा है कि ऑथर कौन है और डेट्स क्या है। तो ठीक है, ये हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा। लॉर्ड गणेश टू द स्क्राइब, यहाँ पे मैं आपको एक मतलब टेक्स्ट दिखा देता हूं, जो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन व्यास डिक्टेटेड टेक्स्ट टू द डीटी, दिस इलस्ट्रेशन इज फ्रॉम अ पर्शियन ट्रांसलेशन टू द महाभारत। तो आपको ये देखिए, जो आपको दिखेगा दिस इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन टू द महाभारत, और यहाँ पर बताया गया है। तो एक देखिए, यही एक इंडिया की ब्यूटी है जो आपको समझना होगी कि पर्शियन जो एक कही जाती है कि इंडिया के बाहर की लैंग्वेज है, जनरली आप देखें तो ईरान की लैंग्वेज है, और ईरान में जैसे आपको पता है कि मुस्लिम कंट्री है, वहां के लोग इंडिया आए और उन्होंने ट्रांसलेट किया, और ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग दिख रही है ये उन्होंने बनाई, और ये पेंटिंग बनी है देखिए 1740 से 50 के बीच, और वहां पे बताया गया है कि देखिए ऐसे ट्रांसलेट हो रहे हैं, ऐसे बुक्स लिखी जा रही है, ऐसे दिखते थे, ठीक है, मतलब ये दिखते कैसे थे गॉड्स, ये भी तब ट्रांसलेट हो रहा है। तो ये एक इंडिया की ब्यूटी है जो आपको समझना होगी और जो आपको पास ऑन भी करनी पड़ेगी, स्पेशली टू पीपल जो इन सब चीजों को नहीं समझते हैं। तो ये सब एक चीज है। उसके साथ साथ अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ऑथर एंड डेट्स क्या क्या थी। तो चलिए एक बार देखते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज बाय कैरियट कैरियटर बार्स नोन एज सूतार्स, हु जनरली अकम्पनाइड क्षत्रिया वैरियर्स टू द बैटल फील्ड एंड कंपोज पोएम्स सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अदर अचीवमेंट्स। तो ये जो स्टोरी है महाभारत की, ये कैसे आई, ओरिजिनल स्टोरी जो बिल्कुल ओरिजिनल, ये तो कैरियट बार्स होते हैं जनरली, जिनको सूतास कहा जाता था, इनको लिख लो नोट्स में, ठीक है। सूतास कौन है, कैरियट कैरियटर बार्स, जो जनरली क्या करते थे, क्षत्रिय वैरियर्स के साथ लड़ाइयों में जाते थे, जो चीजें लिखा करते थे, ठीक है। आप अगर कभी कोई देखते हो कि बैटल फील्ड, तो बैटल हो रही है और कुछ लोग लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा फनी सा लगता है ना कि भैया जी एक जगह तो बैटल हो रही है, दूसरा आदमी कुछ उन्हें लिख रहा है, ऐसी ऐसी चीजें। तो वही वो लोग हैं, यही हैं वो कैरियटर बार्स एंड सूतास। हाँ, इन्हें भी लड़ाई करनी आती है अगर जरूरत पड़े तो, राइट, लेकिन ये जनरली लिखते रहते थे चीजें और ये स्टोरीज पास करते थे जनरली, और ये क्या करते थे,
कि जो सोल्जर्स जाया करते थे उनको ये स्टोरीज भी सुनाया करते थे, उन्हें मोटिवेट भी किया करते थे, राइट? क्योंकि आपको समझ सकते हो कि लड़ाई में जाना है एक बहुत ही एक इमोशनली बहुत टफ चैलेंजिंग टास्क है, तो उनको ये स्टोरी सुना के काफी खुश किया करते थे, हैप्पी होते थे वो, राइट? सो दीज स्टोरीज दीज कंपोजिशंस वर सर्कुलेटेड ओरली, ओरली मतलब मुंह से सर्कुलेट की जाती थी, किसी टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई। देन फ्रॉम द 5th सेंचुरी BCE, 5th सेंचुरी BCE मतलब 500 BCE के अराउंड, याद रखिए इन सब चीजों को, ब्राह्मण्स टुक ओवर दी स्टोरी एंड बिगेन टू कमिटेड टू राइटिंग। तो ब्राह्मण्स ने स्टोरीज ली, जो स्टोरीज सुनाया करते थे बैटलफील्ड्स की, बहुत सालों से चलती भी आ रही थी, ओरली ओरली पास हो रही थी मुंह से, राइट? कि ये स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी ऐसी है। फिर ब्राह्मण्स ने उसको कंपोजिशन मतलब बुक्स में लिखा, ठीक। दिस वॉज द टाइम वेन चीफ टर्म्स सच एज दोज ऑफ दी कुरुस, ठीक है, कुरु जो एक महाजनपदा टाइम के पीरियड में थी 6th सेंचुरी BCE में, एंड पंचाल अराउंड होम द स्टोरी ऑफ द एपिक रिवॉल्व वर ग्रेजुअली बिकमिंग किंगडम्स। तो कुरु एंड पंचाल जो आप रीजन में देखोगे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में है ना, कुरु एंड पंचाल किंगडम्स आए थे, उस टाइम में स्टोरी लिखी गई। डिड द न्यू किंग्स वॉन्ट देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व मोर सिस्टमेटिकली? काफी हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमें समझना होंगे, जिसके हमें आंसर देने होंगे, और काफी बार तो हमें क्वेश्चन ओपन छोड़ देने होंगे जिसका कोई आंसर है ही नहीं। ये स्टोरी क्यों लिखी गई? क्या किंग्स जो थे, नए किंग जो थे, कुरु और पंचाल के नए नए किंग बन रहे थे, मोनार्की आ गई थी, हमें हमने ये समझा है, क्या वो अपना इतिहास रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे? इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट दी अपहीवर्स दैट वर अकम्पनाइड दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वेयर ओल्ड सोशल वैल्यूज वर ऑफन रिप्लेस बाय द न्यू नॉर्म्स आर रिफ्लेक्टेड इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टोरीज। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द अपहीवल्स दैट वन ऑफन अकम्पनाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज स्टेट्स। अपहीवल्स मतलब देखिए चेंज हो रहा था ना इस टाइम में, नए नए किंगडम बन रहे थे, उन्हें फाइट करना पड़ रहा था, राइट? एक ऑर्डर एस्टेब्लिश हो रहा था, वेयर ओल्ड सोशल वैल्यूज वर ऑफन रिप्लेस बाय द न्यू नॉर्म्स। क्या ये सब चीजें इन स्टोरीज में रिफ्लेक्ट की गई हैं? इन स्टोरीज में मतलब इतिहास में, महाभारत की भी मल्टीपल वर्जन है ना, क्या उन सब में लिखे गए हैं? वी नोटिस अनदर फेस इन द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट अराउंड 200 BCE से लेके 200 CE, इसको आप 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE भी कह सकते हो। दिस वॉज द पीरियड वेन द वर्शिप ऑफ विष्णु वॉज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एंड कृष्णा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द एपिक वॉज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु। तो ये भी आपको समझना होगा कि यहाँ पे कृष्णा की देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है महाभारत में, और इसी टाइम पीरियड के बीच विष्णु की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। कृष्णा जिनको विष्णु का अवतार, ये ही वाज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु, वो भी उस टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, ये सेंटर है एपिक के। सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 to 400 CE ही लार्ज डायडेक्टिक सेक्शन रिसेम्बलिंग दी मनुस्मृति वर एडेड। तो महाभारत में मनुस्मृति का डायडेक्टिक मतलब जो हमने पढ़ा है इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या करना है, सोशल ऑर्डर क्या है, इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड की गई। विद दीज एडिशंस अ टेक्स्ट व्हिच इनिशियली परहैप्स हैड लेस देन 10,000 verses ग्रू टू कंप्राइज 1,00,000 verses। दिस इनॉर्मस कंपोजिशन इज जनरली इज ट्रेडिशनली एट्रिब्यूटेड टू अ सेज नेम व्यास। काफी बार पूछा जाता है भैया ये किसने लिखी है महाभारत, आंसर लोग लिख देते हैं व्यास, आपको भी यही आंसर देना है, लेकिन आपको समझना है कि कैसे चीजें चलती भी आई। केबीसी में पूछा जाए तो आंसर लिखना है, हिस्ट्री का 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे कंपोज की गई, तो आपको पूरा का पूरा ये डिटेल देना पड़ेगा जो हमने शुरू से दिया है कि पहले ओरली पास हो रही थी, फिर ब्राह्मण्स ने टास्क लिया कि हम चलो लिखते हैं, है ना, और फिर इवेंचुअली आप एक इसका फ्लो डायग्राम बना दो एग्जाम में तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आजकल हिस्ट्री में थोड़े से अगर मार्क्स लेने तो फ्लो डायग्राम वगैरह बनाओ, कुरु पंचाल जो है मैप में दिखा दो, ऐसे करके आप वो छोटा सा मतलब ऐसे करके बना दिया इंडिया का मैप, और ये ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इंडिया के मैप की कि जो आप बना दो विद इन 30 सेकंड्स। तो मैंने तो ये जल्दी दिखा दिया, इस एरिया को दिखाओ और हाईलाइट करो और आगे बढ़ो, ये नहीं पूरा इंडिया बना दो, सिर्फ नॉर्थ इंडिया बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, तो कन्वर्जेंस मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं वो एक कॉमन बुक हमें मिल पाए। द महाभारत लाइक एनी अदर मेजर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। इन 1951 to 52 द आर्कियोलॉजिस्ट बी बिलाल, इनके नाम लिख लो, एक्सकेवेटेड एट अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। हस्तिनापुर मेरठ के पास से जो नॉर्थ इंडिया में आए हो उनको पता हो, और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इसको मैप में मार्क कर लें, काफी बार ये यूपीएससी हिस्ट्री में पूछा जाता है। वाज दिस द हस्तिनापुर ऑफ द एपिक, ये इसका आंसर देखिए नहीं है, अगेन क्वेश्चन मार्क है।
काफी लोग कहते हैं हाँ जी यही हस्तिनापुर है, आप वहां पे इस एरिया में जाओगे मेरठ के पास, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हस्तिनापुर में, तो लोग बोलेंगे भाई ये वही जगह है जहाँ पे महाभारत की पूरी स्टोरी लिखी गई है इन एंड अराउंड। While the similarity in names could be coincidental, the location of the site in the Upper Ganga Dwarf, where the Kuru Kingdom was situated, suggests that it may have been the capital of the Kurus mentioned in the text. तो मे भी हो सकता है, अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है हाँ जी हस्तिनापुर क्या है, तो आप लिखोगे इट वॉज द कैपिटल ऑफ कुरुस, और आप ये भी लिख सकते हो इट प्रोबेबली वॉज द कैपिटल ऑफ कुरुस। तो जो टीचर है, जो प्रोफेसर समझता है वो समझेगा अच्छा जी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्योंकि सर्टेनली नहीं कह रहा, ठीक है कुछ भी सर्टेनली नहीं कह सकते एंशिएंट इंडिया में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा काफी सारा कि कैसे बीबी लाल जो है उन्होंने कैसे एविडेंस फाइंड किया था, तो आप इसको खुद पढ़ लेना। जनरली यहाँ पे लिखा है 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, और हमेशा साइट के ना ऑक्यूपेशनल लेवल्स होते हैं, आप खोदते जाते हो ना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था ऊपर वाला जो है सबसे नया, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो जो सबसे नीचे वाला होगा लेवल सबसे पुराना होगा, जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा वो सबसे नया होगा, ये चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट। इसको आप खुद पढ़ लेना, यहाँ पे डिटेल्स दे रखी कैसे उन्होंने फाइंड करी। Was the description of the city in the epic added after the main narrative had been composed? When after the 6th century BC, urban centers flourished in the region? क्या ऐसा है? क्या description of the city जो epic में add किया गया है, was it added after the main narrative had been composed? The पूरी story जब लिख दी गई, or was it a flight of poetic fancy which cannot always be verified by comparisons with other kind of evidences? तो point ये है यहाँ पे overall समझाने का ये है, ये कह देना कि हस्तिनापुर और वो वाला हस्तिनापुर सेम है, मतलब ये वाला मतलब हस्तिनापुर जो मेरठ में है और जो हस्तिनापुर महाभारत में है, क्या ये सेम है, ये कह देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई सिमिलरिटी दिखती ही नहीं है। कंसिडर अनदर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड इन द महाभारत इज द्रौपदी मैरिज विद द पांडवास एंड इंस्टेंस ऑफ पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मतलब जहां महिला के एक से ज्यादा पति हो, ठीक है, पॉलीगैमी होता है जब मेल के बहुत सारी वाइफ्स हो, पॉली एंट्री मतलब जब एक लेडी के बहुत सारे हस्बैंड्स हो, दैट इज सेंट्रल टू द नैरेटिव। इफ वी एग्जामिन दिस सेक्शन ऑफ द एपिक दैट डिस्क्राइब्स दिस इवेंट, इट इज एविडेंट दैट द ऑथर्स अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन इट इन ए वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है, वैरायटी ऑफ वेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ टेक्स्ट लिखे गए हैं ना, वैरायटी ऑफ टेक्स्ट से लिया गया है। तो यहाँ हस्तिनापुर, दिस इज हाउ द सिटी इज डिस्क्राइब्ड इन द आदि पर्वान ऑफ द महाभारत, द सिटी बर्स्टिंग लाइक द ओशन, packed with hundred of mansions, displayed with its gateways, arches, turrets, like massing clouds, the splendor of great Indra city. तो आप, do you think Lal's find match the description of Hastinapur in the epic? आप इसका आंसर आप ही देना। ऊपर डॉक्टर लाल या जो हिस्टोरियन लाल है उन्होंने अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसको पढ़ें और फिर इसको पढ़ें कि आपको दोनों में सिमिलैरिटी दिखती है, आप रियलाइज करोगे सिमिलैरिटी आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, नहीं दिखेगी, और दिख रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें जिससे हम एक डिस्कशन भी कर सकते हैं और भी लोग अपना बता सकते हैं। तो आ वॉल एक्सकेवेटेड एट हस्तिनापुर, ठीक है ये वॉल है। तो द्रौपदी मैरिज, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टोरी अच्छी है पढ़ लेना अच्छे से। व्हेन द्रुपद वाज टोल्ड अबाउट दिस ही प्रोटेस्टेड, ठीक है, द्रौपदी द्रुपद की डॉटर थी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर पढ़ोगे, द्रुपद द किंग ऑफ पंचाल ऑर्गेनाइज्ड अ कंपटीशन वेयर द चैलेंज वाज टू स्ट्रिंग अ बो एंड हिट अ टारगेट, द विनर वुड बी चूजन टू मैरी हिज डॉटर द्रौपदी। तो जनरली नाम ऐसे ही रखे जाते थे, फादर का जो नाम होगा उसी। अर्जुन वाज विक्टोरियस एंड वाज गार्लैंड बाय द्रौपदी, द पांडव वाज रिटर्न विद हर टू देयर मदर कुंती हु इवन बिफोर शी सॉ देम, तो ये इंटरेस्टिंग बात है, आस्क्ड देम टू शेयर व्हाट एवर दे हैड गॉट। तो देखिए द्रौपदी की डीज की शादी हो गई थी अर्जुन से, जिनको स्टोरी नहीं पता उनके लिए बताते रहो, और कुंती इनकी मदर थी। तो कुंती जब जब घर पहुंचा जब घर पहुंचे अर्जुन अपने भाइयों के साथ पांडवस के साथ, तो मदर कुंती ने बोला कि जो भी आप लाए हो आप सब शेयर करो। तो ये मिस्टेक हो गई, हाँ कुछ लोगों को ये फनी स्टोरी लगेगी लेकिन ऐसी लिखी गई है। शी रियलाइज हर मिस्टेक व्हेन शी सॉ द्रौपदी बट हर कमांड कुड नॉट बी वायलेटेड। तो ये भी कुछ लोगों को नेगेटिव लगेगा और कुछ लोगों को स्पेशली जनरली आप जैसे फीमेल हिस्टोरियंस आजकल जो न्यू कैटेगरी है आप उनमें देखो तो उसको ये काफी नेगेटिवली भी देते हैं कि हर कमांड कुड नॉट बी वायलेटेड, ये कैसे कह दिया। आफ्टर मच डेलिब्रेशन युधिष्ठिर डिसाइडेड दैट द्रौपदी वुड बी देयर कॉमन वाइफ, राइट। ये स्टोरी है लेकिन आप इसको नीचे समझो, नीचे देखो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है,
व्हेन द्रुपद वाज टोल्ड, द्रुपद मतलब फादर वाज टोल्ड, ही प्रोटेस्टेड, ऑफ कोर्स करेंगे क्योंकि फादर को कैसे अलाउ कर देंगे। हाउएवर द सीर व्यास अराइव्ड एंड टोल्ड हिम दैट द पांडवास वर इन रियलिटी इनकार्नेशन ऑफ इंद्र, इंद्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड थे किस टाइम में, स्पेशली ऋग्वेदा टाइम में, हुज वाइफ हैड बीन रिबॉर्न एज द्रौपदी एंड दे वर दस डिस्टाइंड फॉर ईच अदर। ठीक है, पांडवा जो है वो इनकार्नेशन है इंद्रा के, जिनकी बीवी द्रौपदी की रूप में फिर से जन्म लिया है। व्यास एडेड दैट इन अनदर इंस्टेंस अ यंग वुमन हैड प्रेड टू शिवा फॉर अ हस्बैंड एंड इन हर एंथुसियाज्म हैड प्रेड 5 टाइम्स इंस्टेड ऑफ वंस, दिस वुमन वाज रिबॉर्न एज द्रौपदी। 5 बार उन्होंने प्रेयर कर लिया इसलिए इसलिए उन्हें 5 पति मिल गए। शिवा हैड फुलफिल्ड हर प्रेयर्स, कन्विंस्ड बाय दीज स्टोरीज द्रुपद ने अलाउ कर दी। तो देखिए दो दो स्टोरीज दी गई हैं, और तो व्हाई डू यू थिंक द ऑथर ऑफर 3 एक्सप्लेनेशंस फॉर अ सिंगल एपिसोड। तो फर्स्ट एरा, सेकेंड एरा, थर्ड एरा, तो क्यों लगता है आपको? इसका आंसर आप सोचिए, लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये आ जाता है हिस्टोरियंस ने इसको आजकल कैसे समझा। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट द फैक्ट दैट ऑथर डिस्क्राइब्स अ पॉली एंड्रस यूनियन इंडिकेट्स दैट पॉली एंट्री मे हैव बीन प्रिमिनेंट अमंग रूलिंग एलाइट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए पॉली एंट्री अगर मेंशन किया गया है महाभारत में, तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम में जो किंगडम्स थे, इलाइट लोग थे, वहां पॉली एंट्री होता होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम द फैक्ट दैट सो मेनी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस आर ऑफर्ड फॉर द एपिसोड सजेस्ट दैट पॉली एंट्री ग्रेजुअली फेल इनटू डिसफेवर अमंग द ब्राह्मण्स हु रिवर्क एंड डेवलप द टेक्स्ट थ्रू द सेंचुरीज। तो पॉली एंट्री मतलब ब्राह्मण इसे ऑफ कोर्स पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने मल्टीपल इसलिए एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई है, राइट, कि भाई पॉली एंट्री क्यों करना पड़ा, है ना, अदरवाइज इसे अलाउ नहीं किया जा सकता, राइट। सम हिस्टोरियंस नोट दैट व्हाइल द प्रैक्टिस ऑफ पॉली एंट्री मे हैव बीन सीम्ड अनयूजुअल और इवन अनडिजायरेबल फ्रॉम द ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट वॉज प्रिवलेंट इन हिमालयन रीजन। अदर सजेस्ट दैट देयर मे हैव बीन अ शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉरफेयर, मर जाती थी क्योंकि आप समझ सकते हो अटैक जब होते थे तो वुमेन और चिल्ड्रन को किल कर देते थे। दिस लेड टू पॉलीएंड्री, इन अदर वर्ड्स इट वाज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस क्योंकि वुमेन कम है और आजकल भी सिचुएशन ऑफ क्राइसिस ही हो गई है। सम अर्ली सोर्सेस सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री वाज नॉट द ओनली और इवन द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। सम अर्ली सोर्सेस सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री वाज नॉट ओनली और was not only or even the most prevalent form of marriage. Why then did the authors choose to associate this practice with the central characters of the Mahabharata? Iska answer open hai. We need to remember that creative literatures often has its own narrative requirements and does not always literally reflect social realities. So aapko ye bhi yaad rakhna hoga, polyandry theek hai likh diya story mein, lekin maybe prevalent is time mein hoti hi na ho. और काफी बार ये भी देखा गया पॉलीएंड्री प्रिवेलेंट है कहाँ पे, हिमालयन रीजन में, और ये स्टोरी जो लिखी गई है इन एंड अराउंड द हिमालयन रीजन है, इतना दूर नहीं है, कुरु पंचाल है ना हिमालयन रीजन से, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये सब है मल्टीपल व्यूज है। तो देखिए ये सब पढ़ के आप क्या समझ पा रहे हो, एक तो मल्टीपल व्यूज देने हैं आंसर के स्पेशली एंशियंट इंडिया में, सेकेंड चीज है क्वेश्चन मार्क करके छोड़ो, उसके बाद वर्ड यूज करो मे माइट कुड, है ना, कंक्लूड मत कर दो हाँ जी ये ऐसा होगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये तो महाभारत की बात है जिसपे शायद क्वेश्चन आए ही ना, कोई भी और बात भी हो रही है, जैसे अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा, अकॉर्ड इसमें आंसर ऐसे लिखना अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दी सोर्सेस। अगर एग्जैक्ट सोर्स पता है ब्राह्मणिकल सोर्स है, एग्जैक्ट अगर आपको वो सोर्स पता है तो बहुत ही अच्छा है। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल सोर्स अशोका माइट हैव, नहीं, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल सोर्स अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। अगर आपको सोर्स ही याद नहीं आ रहा तो ऐसे लिख देना इट इज पॉसिबल दैट अशोका माइट हैव किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। तो माइट मतलब करके लिख दिया कि छोड़ दिया ओपन, ऐसे मत लिख देना कि अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, तो ये गलत है। तो राइट वर्ड्स चूज करना इंपॉर्टेंट है एंशियंट इंडिया में, बस मैं यही समझाना चाह रहा था, राइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, एग्जाम मतलब यूपीएससी एग्जाम हो गए, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर, गुड बाय।